हाय फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज का जो टॉपिक है, काली लिनक्स को कैसे इंस्टॉल करेंगे वीएमवेयर वर्क स्टेशन पर, जो कि आपको मैं बता चुका हूँ कैसे डाउनलोड करेंगे और कैसे इंस्टॉल करेंगे वीएमवेयर को। और अब हम आपको बताएंगे कि कैसे डाउनलोड करेंगे काली लिनक्स को और उसे कैसे इंस्टॉल करेंगे। इस वीडियो में आप पूरा अंत तक देखें, चलिए और देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे काली .org, ये आपका ओपन हो जाएगा। डाउनलोड पर क्लिक करना है। आप यहाँ पे आ जाएंगे, देख पा रहे होंगे यहाँ पे आपका 64 बिट, 32 बिट एप्पल सिलिकॉन आर्म 64, जो कि एप्पल में आप चला सकते हैं। ओके, आपको इस पर क्लिक करना है। डाउनलोड पर 4.0 GB का है। इस इमेज को आपको डाउनलोड कर लेना है, ISO फाइल है, आप इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे इंस्टॉल करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग वीएमवेयर को ओपन करेंगे। क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन, इस पर क्लिक किया और कस्टम एडवांस पर क्लिक किया एंड नेक्स्ट पर करेंगे। आपको यहाँ पे वर्क स्टेशन 17.5 और लेटर आपको इस पर क्लिक करना है। आपको जो सबसे पहले पर दिख रहा होगा जो लेटेस्ट वर्जन है, आप इस पर क्लिक करके नेक्स्ट करना है। अब यहाँ पे इंस्टॉलेशन डिस्क इमेज फाइल आपको यहाँ पे देना है, जो कि ISO फाइल है जो आप डाउनलोड किया है काली लिनक्स का, उसे आपको देना है। यहाँ पे काली लिनक्स आप यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। ओके एंड नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे लिनक्स पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको डेबियन पर जाना है, डेबियन 6 64 बिट। ओके नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे काली लिनक्स, और यहाँ पे लोकेशन आप चेंज कर सकते हैं। आप जो लोकेशन देना चाहते हो वो लोकेशन दे सकते हैं। एज पर आपको देना है, एज पर दे सकते हैं। प्लीज इंसर्ट अ डिस्क इनटू यूएसबी ड्राइव एच, आप जो दे सकते हैं वो दे सकते हैं। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे आपका नंबर ऑफ प्रोसेसर है तो 1, जो कि आपका सही है। नंबर ऑफ कोर प्रोसेसर यहाँ पे हम लोग 3 रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज पर जाना है। यहाँ पर i9 जो 10850 के है, आपको इसको सर्च करना है। i9 1085 के नंबर ऑफ कोर्स पर आपको सर्च करना है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो 10 कोर्स है मेरा। ओके, आप यहाँ पे इसलिए हम लोग यहाँ पे 3 दे रहे हैं। आपका 8 कोर है तो आप 2 दे सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। और नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे 6 GB देंगे। नेक्स्ट करेंगे, NAT आपको लेना है डिफॉल्ट। नेक्स्ट, अब यहाँ पे आप कौन सा सेलेक्ट करना है, यहाँ पे रिकमेंडेड है आपको वही रखना है। नेक्स्ट करना है, यहाँ पे भी आपका रिकमेंडेड है वही रखना है। नेक्स्ट करना है, अब यहाँ पे आपका यहाँ पे रिकमेंडेड है वही रखना है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, यहाँ पे मैक्सिमम डिस्क साइज जो आपको यहाँ पे 60 GB 40 GB रख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे आपको स्प्राइट वर्चुअल डिस्क इनटू मल्टी फाइल्स, आपको इस पर क्लिक करना है और नेक्स्ट करना है। और यहाँ पे जो है डिफॉल्ट ही रखना है, नेक्स्ट करना है एंड फिनिश करना है। अब यहाँ पे पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन पर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे आपको ग्राफिक्स इंस्टॉल पर क्लिक करना है। इंग्लिश पर कंटिन्यू करेंगे, इंडिया पर लोकेशन ले लेंगे, अमेरिका इंग्लिश जो कि कीबोर्ड का लैंग्वेज है कंटिन्यू करेंगे। कॉन्फिगर द नेटवर्क, प्लीज इंटर द होस्ट नेम, सिस्टम होस्ट नेम आपको यहाँ पे देना है। यहाँ होस्ट नेम आपको देना है काली एंड कंटिन्यू। डोमेन नेम में आपको कुछ नहीं देना है, कंटिन्यू। आपको यहाँ फुल नेम न्यू यूजर देना है, आप जो देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। यहाँ पे जो है वही रखेंगे। यहाँ पे आप पासवर्ड दे सकते हैं, पासवर्ड देने के बाद आपको कंटिन्यू करना है। ओके, रूट एड्रेस 1234, नेक्स्ट।
अब यहाँ पे गाइडेड यूज इंटायर डिस्क पर आपको क्लिक करना है और कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू करना है। एंड यहाँ पे पार्टीशन डिस्क जो कि ऑल फाइल न्यू यूजर्स पर क्लिक करना है एंड कंटिन्यू करना है। यहाँ पे फिनिश पार्टीशन पर क्लिक करना है, कंटिन्यू करना है। यहाँ पे यस या नो करना है, तो यहाँ पे आप यस करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पे आपको क्लिक करना है जीनोम पर, आपको क्लिक करना है, आपको इस पर क्लिक नहीं करना है एंड कंटिन्यू कर लेना है। अब यहाँ पे आपको किस पर क्लिक करना है, तो लाइट डीएम पर क्लिक करना है एंड कंटिन्यू करना है। अब यहाँ पे आपको यस पर कंटिन्यू करना है, देव एसडीए पर कंटिन्यू करना है। एंड यहाँ पे आप कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पे ओपन हो रहा है, लिनक्स इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे आप जो नाम दिए थे वो आप यहाँ पे दे सकते हैं एंड लॉगिन पर क्लिक करें। यहाँ पे आपका ओपन हो चुका है कालिनक्स, इस तरह से आप इंस्टॉल कर सकते हैं कालिनक्स को और इसको यूज कर सकते हैं। और नेक्स्ट टाइम आपको पायरेट का इंस्टॉलेशन बारे में बताऊंगा, कैसे डाउनलोड करते हैं, कैसे उसे इंस्टॉल करते हैं पायरेट को। और नेक्स्ट टाइम आपको वीडियो मिलती रहेगी पार्ट बाई पार्ट, कैसे यूज करते हैं कालिनक्स को, कैसे पायरेट को यूज करते हैं। चलिए आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।